वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज है वीक डे, दैट इज़ वेंसडे, और अभी हो रही है भरी दोपहर, और यहाँ पे एक्चुअली इतनी ज़्यादा गर्मी हो चुकी है, बिल्कुल दिल्ली वाली गर्मी, बिल्कुल दिल्ली वाला टेम्परेचर आई वुड नॉट से टेम्परेचर वहाँ से कम होता है, लेकिन यहाँ की गर्मी और यहाँ की धूप इज़ बहुत ज़्यादा कड़क। सो एक्चुअली मैं जा रही हूँ इंडियन स्टोर, जो कि पहले मैंने आपको दिखाया था, जैक्सन हाइट लाजपत नगर। अगर आपने पुरानी वीडियो देखी हो तो वी नीड टू बाय सम ग्रोसरीज इंडियन स्टाफ, सो आई एम गोइंग टू जैक्सन हाइट्स अकेले। अब तो यूज्ड टू हो चुकी हूँ मैं यहाँ पे, तो मैं अकेले एकदम निकल जाती हूँ कहीं भी। यहाँ से लगेगा मेरे को 45 मिनट्स, देन आई विल बी बैक बाय इवनिंग, 7 बज जाएंगे। यहाँ की धूप इज़ एक्चुअली इतनी ज़्यादा तीखी एंड कड़क, मतलब एक बार आपको डायरेक्ट एक्सपोजर हो जाए तो सनबर्न या टैनिंग तो होगी ही होगी। तो जैक्सन हाइट्स पे हमको डायरेक्ट ट्रेन मिलती है, तो हम अपने घर के पास से पकड़ते हैं। जैसे अपने वैशाली ड्राइव से रजौरी वाला स्टेशन हो गया, उतना ही डिस्टेंस होगा इस स्टेशन का। तो लकीली मिल गई है। अब यहाँ से मेरे हैं 15 या 16 स्टेशन, दलाल रीच, वहाँ से सामान उठाएंगे और बस सीधा घर आएंगे। सो मैं फाइनली पहुँच चुकी हूँ जैक्सन हाइट्स, जिसको मैं यहाँ का लाजपत नगर बोलती हूँ। बहुत ज़्यादा धूप है यार, मुझे लेना है फटाफट देगी मिर्च और अपनी कश्मीरी मिर्च, हींग एंड ऑल दैट। इतनी वैरायटी है भाई यहाँ मसालों की भी, शान, देगी मिर्च, हीरी बड़ी बड़ी, बट आई नीड जूस। सो ये एक्चुअली वो चीज़ है जो मैं बहुत दिन से ढूंढ रही थी, एंड मैंने बहुत सारे वहाँ मैनहट्टन में भी स्टोर्स में देखा, बट ये मिला नहीं, सिर्फ इंडियन स्टोर पर ही मिलता। तो अगर आप लोगों ने क्वीन देखी है तो आप लोग को याद होगा कि हींग को इंग्लिश में क्या कहते हैं। संतास भी कि हींग देखा ही हो किसी स्टोर पे, ना वाज लाइक हींग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाँ बोला फाइंड इट, वाज लाइक हींग को हींग ही कहते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोग को पता है कि हींग को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो ग्रोसरी शॉपिंग फाइनली मेरी हो चुकी है। ये मेरे बैग्स जो कि बहुत ज़्यादा भारी हो गए हैं, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 2 हैवी बैग्स हो जाएंगे। तो वो होता है ना, जैसे आप स्टोर में जाके शॉपिंग करो ग्रोसरी की, तो सामान डबल ही आ जाता है, ये भी ले लो वो भी ले लो, भारी बहुत ज़्यादा हो गया सामान, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। अब इसको ले के जाना है हमको, इस कंधे वंदे ना टूट जाए। सो बिल्कुल टाइम पे ऊपर चढ़ी मैं, बस ट्रेन जो 34 हडसन यार्ड वाली है जो हमारे घर के पास, बस 0 मिनट्स है मतलब आने वाली है, एंड है 1 मिनट भी ऊपर नीचे होता तो ये मिस हो गई होती, टूर्नामेंट के बाद। अभी तक मैंने आपको इंडियन स्टोर का सामान दिखाया था यहाँ पे, जहाँ पे सारी बेसिक इंडियन सामान मिल जाता है जो हमें चाहिए होता है। आज मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का ग्रोसरी स्टोर, जहाँ से हम दूध, ब्रेड, बटर, बेसिक चीज़ें लेते हैं, एंड देन वी विल कंपेयर इट विद इंडिया का सामान। तो हमारे यहाँ पास में ही घर के नीचे ही एक ब्रुकलिन फेयर करके शॉप है, जहाँ सामान लेते हैं ग्रोसरीज एंड ऑल। आई एम जस्ट गोना गो देयर एंड लेट यू सी कि वहाँ और यहाँ में एक्चुअली कितना फ़र्क है। वैसे आज बाहर काफ़ी ज़्यादा रश है हमारे घर पे, इतना यूजुअली होता नहीं है। तो शुरू में जब कोई इंडिया से यहाँ पे आता है तो ऑब्वियसली हमें इंडिया के सारे स्टैंडर्ड रेट दिमाग में होते हैं, तो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर अस टू एब्जॉर्व कि ओके ये चीज़ इतने की वहाँ है और इतने की यहाँ है। तो कुछ टाइम तो हम लोग को ये एक्सेप्ट करने में ही लग जाता है कि भाई अच्छा यहाँ के यही स्टैंडर्ड रेट हैं। और आज यहाँ पर टेम्परेचर हो रहा है 31 डिग्री और फील्स लाइक है 36, तो आप सोच लो क्या ही हाल हो रहा होगा। ये है यहाँ पे दूध, ये वाला जो पड़ा है ये है ऑलमोस्ट 946 ml, मतलब वेरी क्लोज टू 1 लीटर, और इसका रेट भी 1.99 है, दैट इज़ ऑल्सो 150 रुपये के आसपास का 1 किलो दूध। अगर मैं नीचे बढ़ा लूँ तो ये है ऑलमोस्ट 1 गैलन, और 1 गैलन इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4.5 लीटर्स। सो 4.5 लीटर्स वुड कॉस्ट मी अराउंड $5, और $5 को आप 80 से कर लो तो भाई 400 का दूध तो हमको पड़ ही जाएगा।
4.5 liters, जो इंडिया में 1 liter होता है, आई थिंक 56 या 60 rupees का, राइट। और यहाँ पे दही की भी बहुत वैरायटी। मैं स्टैंडर्ड रेट पूछूँगी तो जो प्लेन बेसिक होती है जो हम खाते हैं, दैट इज़ दिस, ये हमको पड़ती है 5.49 का ये पूरा डब्बा। दैट इज़ ऑल्सो अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 450 rupees का ये डब्बा दही का। ये देख लो इतना सा, इंडिया में कितने की मिलती है भाई दही। और ऐसा नहीं है, कभी कभी वीकली सेल भी लगती है जहाँ आपको 6 की 2 मिल सकती हैं, तो वाइस चॉइस यही रहेगी कि आप ये वीकली सेल वाले ऑप्शंस में से उठाएं। बटर कितने का मिलता है, स्टैंडर्ड रेट आपको जो मिलेंगे वो है यही $6, कहीं कहीं तो भाई $11, $9, मतलब बहुत ऊपर भी जाते हैं। दिस इज़ ऑल्सो $9, सो बेसिक से बेसिक भी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मिनिमम $5 का है। दैट इज़ ऑल्सो सेम अराउंड 400 rupees का ये बटर की, ये बटर की टिक्की ऑलमोस्ट हमारी 400 के आसपास आती है। और अगर हम यहाँ पे अंडे की ट्रे, दैट इज़ एग्स देखेंगे तो जो मिनिमम है वो 3.89 की है, विच आर 12 एग्स की पूरी ट्रे पैक, और ऑलमोस्ट $4 के आसपास आप लगा लो तो ये हमको पड़ गई 320 rupees की। ये सबसे मिनिमम है, उसके आगे आगे जाएंगे तो $6.49, $7.49, $9, एंड देर इज़ नो एंड। वैरायटी यहाँ पे बहुत होती है, बस एक चीज़ है जो है यहाँ पे वो है मेनली ब्रेड का सेक्शन। ब्रेड्स में भी इतने सारे ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे, बट द मेन थिंग इज़ ऑलमोस्ट ना ब्रेड्स बहुत मीठी मीठी होती हैं, विच आई पर्सनली डोंट लाइक। बहुत सारी मैंने इसमें से ट्राई कर करके देखी है, बट मुझे जो सबसे बेसिक पसंद आती है वो ब्रुकलिन फेयर की, जो यहीं की है, विच इज़ फॉर $1.99, $2, 160 rupees की एक बड़ी ब्रेड, विच इज़ दिस, एंड आई थिंक दिस इज़ द मिनिमम प्राइस ओवर है। सो अभी मैंने सिर्फ एक मोज़रेला चीज़, एक ब्रेड, एक दूध और अपना आलू और टमाटर, एंड लेट्स सी हमारे यहाँ पे बिल कितना बनता है। No bag. So my total for this much saman is 1389. That is approximately $14. सामान लेके अब हम चल पड़े हैं, और सिर्फ 5-6 चीज़ें, आलू टमाटर, अपना चीज़ का एक पैकेट, ब्रेड, दूध हमने लिया $13.89, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1100 rupees में। आज है वीकेंड, दैट इज़ अ सैटरडे, और आज हम जा रहे हैं गोल्फ़ खेलने, पहली बार ज़िंदगी में। आता वाता नहीं है, बट यस वी आर जस्ट गिविंग इट अ ट्राई, जाते हैं, फ्रेंड्स वेंड्स हैं उनके साथ खेलते हैं थोड़ा सा। अभी हम मैनहट्टन में ही हैं और हम जा रहे हैं फ्लैशिंग क्वींस। कितनी देर लगेगी संचित हमको? 40 minutes, बट डायरेक्ट ट्रेन है। तो तुमने खेला कभी गोल्फ? फर्स्ट टाइम। पता नहीं कैसे खेलते हैं, क्या करते हैं, बस ट्राई मारेंगे। अरे एंजॉय करने। सो थोड़ा जाने से पहले हमने सोचा पेट पूजा कर ले, और यहाँ का जो आइकॉनिक बर्गर है, दैट इज चिकफिले। जैसे उन्होंने मेरा नाम लिया था ऑर्डर लेने के लिए, बट आई स्पेसिफिकली स्पेल्ड माई नेम, दैट इज़ TANVI, बट आई थिंक कोई गड़बड़ हो गई है नाम में फिर से, एंड दे आर नॉट एबल टू फाइंड अ ऑर्डर। तो यही यहाँ पे बस एक ड्रॉबैक है कि कोई नाम ढंग से लेता ही नहीं है, चाहे तुम इसकी स्पेलिंग भी बता दो। हमने स्पेशली स्पेल किया है दोबारा अपना नाम और दोबारा ऑर्डर प्लेस किया, लेट्स सी ये क्या बोलते हैं मेरा नाम। तो फिर से मेरा नाम हो गया गलत, दूसरी बार ऑर्डर प्लेस करने के बाद भी, और इस बार मेरे नाम की स्पेलिंग पता क्या है? टॉवी, TAUVI। एवरी टाइम वी स्पेल इट और फिर भी ये यही हुआ है, क्योंकि इन्होंने मेरा नाम आज फिर से, दैट इज़ द 5th time या जितनी भी टाइम मैंने ऑर्डर किया है, गलत बोला है, और गलत स्पेलिंग बताने के बाद भी गलत लिखा है, गलत बोला है। तो अब मैंने सोच लिया है मैं अपना नाम जस्ट फॉर ऑर्डर पर्पस टी लिख रही हूँ, टी बोल रही हूँ, मतलब they even don't get your alphabetic pronunciation। आप ए बोल रहे हो, उनको यू समझ आ रहा है, तो इसमें भी बड़ी डाउट। तो मैंने सोच लिया भैया मैं ऑर्डर्स के लिए अपने आप को बोलूँगी हाई माय नेम इज़ टी, एक बिकॉज मेरे को चाय पसंद है, दूसरा क्योंकि इनसे बोला नहीं जाता, तो इनको इजी से इजी नाम बताने पड़ेंगे। और संचित ने अपना नाम रख लिया है शॉन। शॉन।
ऑर्डर के लिए आई एम टी एंड ही इज़ नाउ शॉन. सो हम आ गए हैं फ्लशिंग क्वींस में एंड हम पहुंच गए हैं पिच एंड पट गोल्फ जोन में, जो कि बिल्कुल सिटी फील्ड स्टेडियम के ऑपोजिट है. गोल्फ खेलने शुरू करते हैं एंड लेट्स सी हाउ डज इट गोस, बिकॉज किसी को खेलना नहीं आता है. जब तुम पकड़ोगे तो आई एम श्योर स्टार्टिंग में मेरा बहुत गलती हुआ था कि ये हमेशा टेढ़ा रहता है, क्योंकि क्रिकेट की आदत है. फेस पे ऐसे टच होना है, उस पे बॉल इस पे होना चाहिए ना, ऐसे होना है जो ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए और टच ऐसे होना चाहिए कि ये बीच में लगे. ठीक है, समझ गए. सेकंड प्लेयर है हमारा संचित, जो कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन लाइफ गोल्फ ट्राई करने जा रहा है. ये देखो अपने आप को एडजस्ट करते हुए. संचित क्या कर रहे हो तुम? ये देख रहा हूँ कितना स्विंग करना है मुझे. नाउ इट्स तन्वी'स टर्न. तन्वी'स लड़कियों का देखो ये पिंक कलर का दिया है, कितनी गलत बात है यार. कोई बात नहीं. सो तन्वी ने अपनी बॉल को बोलो हट जाए कहीं इतनी दूर. लग जाएगी इनको. चलो मुझे पूरी उम्मीद है आई एम गोना मिस इट फॉर द फर्स्ट टाइम. अपने पे एक कॉन्फिडेंस होता है ना, मेरे को वो है. लेट्स सी इज इट फाइन. नहीं नहीं सो तेज से लाना जितना तुम स्लो ला रहे हो मुझे लग रहा है यहीं तक जाएगी. चलो चलो स्विंग करो पूरा पीछे से लाके. हाँ मतलब यू हैव टू डू दिस वे. कोई बात नहीं, अब बॉल जैसे कि मैंने बोला था मुझे मेरे पे पूरी उम्मीद थी मैं मिस करूंगी. कोई नहीं, बॉल पे ध्यान देना. जा भाई वहां से जान मत लगाओ. कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है. तन्वी इज क्लोज टू द टारगेट. हां सो तीन शॉट्स में ये तीसरा शॉट था, मैं यहां तक पहुंच गई हूं. आई मीन दिस इज द रिंग जो बिल्कुल हमारे गोल के पास है. ट्राई करना. चलो तन्वी ये हमारा एक्चुअली होल 3 है एंड टोटल हमारे पास 18 है. और ये वेरी नाइस पहुँचे थे 10:45 के करीब एंड अब बज रहे हैं 12. तो ये 1 बजे तक खुला होता है. सो अब हम 15th होल पे पहुँच चुके हैं. बहुत ज़्यादा थक गए हैं, टोटल 18 है. 15th में मेरी बस हो चुकी है बिकॉज ऑब्वियसली अंधेरा बहुत है. इवन दो लाइट्स हैं बट फिर भी आंखों पे थोड़ा स्ट्रेन पड़ रहा है. एंड इट वाज अ गुड एक्टिविटी, बहुत मज़ा आया. समथिंग न्यू विच आई हैव नेवर ट्राइड. और अंकुर को क्योंकि आता था उसने थोड़े टिप्स भी दिए एंड वी वर एबल टू डू इट फाइनली. एंड लेट्स जस्ट कम्प्लीट दिस एंड कुछ फिर खाने पीने जाते हैं.